नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल टेकवाइज स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे IDFC फर्स्ट बैंक फास्टैग की जो ऐप है उसे आप अपने मोबाइल फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप उस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उस पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं, और आप अपने फास्टैग का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं और रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और वहां से आपको IDFC फर्स्ट बैंक की फास्टैग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको अप्लाई नाउ लिखा हुआ दिख जाएगा। तो अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक का फास्टैग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी फास्टैग है तो यहाँ राइट साइड में आपको ऊपर स्किप का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इसे स्किप कर देना है यहाँ से। अब इसके बाद दोस्तों, इस तरीके से लॉगिन करने का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या आप भूल चुके हैं तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यूजर आईडी फॉरगेट करेंगे, तो आपको सबसे पहले फॉरगेट यूजर आईडी पे क्लिक कर लेना है। फॉरगेट यूजर आईडी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस वाले कॉलम में अपने व्हीकल का नंबर भर लेना है। इसके बाद इस सेकंड वाले में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर लेना है जो इस फास्टैग के साथ लिंक है। तो चलिए मैं ये दोनों डिटेल पहले भर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ नीचे आपको गेट OTP लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे इसमें भर लेना है। इसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देना है आपको, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर सक्सेसफुल लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ उसके नीचे लिखा हुआ है वी हैव सेंट अपडेटेड यूजर आईडी टू योर नंबर, यहाँ नीचे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, हमने यूजर आईडी जो है उसे फॉरगेट कर ली है, अब हमें यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको दोबारा से फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड, इस पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि यूजर आईडी हमने रिकवर कर ली है, अब हम पासवर्ड रिकवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, इस वाले कॉलम में आपको अपनी यूजर आईडी या फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर लेना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद दोस्तों, आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसे इस बॉक्स में भर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है, और कंफर्म करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है, और दोस्तों, पासवर्ड कैसे बनाना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। तो पासवर्ड भरने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको रिसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है सक्सेसफुल पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड क्रेडेंशियल विल रिफ्लेक्ट आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ओके कर देना है, और ओके करने के बाद दोस्तों, आप ऑटोमेटिक जो है इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों, आपके व्हीकल की डिटेल आ जाएगी और आपके फास्टैग में जितना बैलेंस लिखा होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। अब अगर दोस्तों, आपको रिचार्ज करना है तो यहाँ से आपको रिचार्ज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिचार्ज। तो अगर आपको रिचार्ज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ ऊपर आपके व्हीकल की डिटेल आ जाएगी, अब आप कितना रिचार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ क्विक रिचार्ज के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि 500, 1000 और 2000 का। तो अगर आपको इनमें से कोई अमाउंट चूज करना है तो सिंपली आपको उस पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ नीचे आपको कंटिन्यू लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक करके रिचार्ज कर लेना है। और अगर आप 500 से कम अमाउंट रिचार्ज करना चाहते हैं तो जितना भी अमाउंट आप रिचार्ज करना चाहते हैं उसे आपको इस वाले बॉक्स में भर लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है।
कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आपको डेबिट कार्ड से रिचार्ज करना है तो यहाँ पर आपको अपने कार्ड का नंबर भर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको कार्ड का एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको कार्ड का एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस वाले बॉक्स में दोस्तों आपके कार्ड के पीछे जो CVV लिखा हुआ होता है 3 डिजिट का, उसे भर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। और अगर दोस्तों आप कार्ड के अलावा किसी और पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको और भी पेमेंट मेथड दिख जाएंगे, जैसे डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम वॉलेट है, वॉलेट है और UPI है। तो आप इनमें से किसी भी मेथड से रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको UPI से रिचार्ज करना है तो आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भीम UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, फोनपे का मिल जाएगा, गूगल पे का मिल जाएगा, पेटीएम का मिल जाएगा और व्हाट्सएप UPI का मिल जाएगा। या फिर अगर आप किसी अदर UPI से करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस भी UPI से आपको पेमेंट करनी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको फोनपे से करना है तो यहाँ पर आपको फोनपे सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको इस वाले बॉक्स में अपनी UPI ID भर लेनी है, देन यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप आसानी से अपने IDFC फर्स्ट बैंक की यूजर ID और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि फॉरगेट कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं और अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।